कैसे फ्री में मिलेगा मैं आप लोग को बताने वाली हूँ। और साथ में देखो यहाँ पे सो गिल्ड है ना, गिल्ड के अंदर से आप लोग को यहाँ पे सो गिल्ड स्टोर है ना, इसके अंदर में आप लोग को जो यहाँ पे रिवार्ड्स वगैरह मिलता है ना, ये फिर मतलब इसके अंदर ना वो भी 44 अपडेट के बाद में न्यू रिवॉर्ड या फिर आइटम समझ लो ये होने वाला है, जिसका मैं आप लोग को आज की इस वीडियो में रिव्यू करने वाली हूँ। तो वीडियो को पूरी देखना है, स्किप करोगे तो आप लोग बहुत सारी अपडेट्स मिस कर दोगे। तो चलो गाइस मेरा टाइम वेस्ट करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो गाइस यार सबसे पहले तो देखो आप लोग को एक नया इलेक्ट्रो निकल के आ रहा है, जिसके अंदर में आप लोग को सो यहाँ पे किटी है, सो बैम्बू वाली सो यहाँ पे ट्री है, इसका जो किटी का यहाँ पे ग्लू वाली स्किन है ये आप लोग को देखने के लिए मिल जा रही है। सो अभी पेंडिंग में पड़ी है किटी का बंडल है, वो लेके फिर डिस्काउंट डिपेंड पे आया था बिल्ली वाला। सो ये सो किटी वाली सो ग्लू वाली स्किन है, बैम्बू वाली ट्री वाली ये आप लोग को इसके साथ में और फिर से ग्लू वाली स्किन से ये आप लोग को देखने के लिए मिलेगा इलेक्ट्रो के अंदर। और ये इलेक्ट्रो आप लोग को पॉसिबल है कि आप लोग को 22 या फिर 24 अप्रैल को इसको यहाँ पे इलेक्ट्रो आने वाला है, उसके अंदर में आप लोग को देखने के लिए मिल जाएगा, जिसके अंदर आप लोग को 4 ग्लू वाली स्किन देखने के लिए मिलेगी, एक न्यू किटी वाली देखने के लिए मिलेगी और 3 आप लोग को जो ओल्ड वाले सो ग्लू वाली स्किन से वो आप लोग को देखने के लिए मिलेगी। और देखो गाइस आप लोग को अभी 44 अपडेट के बाद में न्यू स्किन देखने के लिए मिलेगी E4C18 की, सो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो ये सो C18 की सो E4 स्किन है, इसके अंदर मैं आप लोग को क्या क्या देखने के लिए मिलेगा और ये आप लोग यहाँ पे देख ही सकते हो। बाकी रिव्यू इसका फुल्ली सो यहाँ पे कम्प्लीट है, पूरा के पूरा जो गन है कम्प्लीट हो गया है। और सो इसका गन का जो इमोट है ये फिर आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, सो आप लोग को इमोट मिलेगा अपग्रेड कर लो कि आप लोग पूरा, तो आप लोग को C18 की E4 गन के अंदर में से ये वाली इमोट मिलेगी। सो आप लोग इमोट करोगे तो यहाँ पे सो इमोट वो नॉर्मली कुछ यहाँ पे ज़्यादा एनिमेशन इफेक्ट नहीं लग रहा है, वहीं ऊपर जाओगे ऐसा डायमंड का ऊपर पीछे में आएगा और अच्छा खासा इमोट लग रहा है। सो C18 के सो इफेक्ट ने इसकी ये वाली आप लोग को इमोट मिल जाएगी। अगर आप लोग गन को फुल यहाँ पे मैक्स अपग्रेड कर लेते हो तो आप लोग को मिल जाएगा इमोट और न्यू लुक भी मिलेगा, सो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 लेवल तक आप लोग को जो वन की स्किन है आप लोग को देखने के लिए मिलेगी। और ये मोट तो आप लोग ने देख लिया, बाकी इसका सारा कुछ कम्प्लीट हो चुका है, गीट इफेक्ट गिल इफेक्ट और यहाँ पे जो एनिमेशन इफेक्ट है सारा कुछ उसके अंदर आप लोग को देखने के लिए मिल जाएंगे। सो जो नेक्स्ट यहाँ पे E4 पेन आने वाला है वो आप लोग बस C18 ही देखने के लिए मिलने के आने वाले होंगे 44 अपडेट में। और अब आप लोग सोच रहे हो जो Scar 2.0 है ये कब आएगा, तो देखोगे सो Scar 2.0 सो ये E4 गन है ना, इसका जो इमोट है ना ये अभी तक कम्प्लीट नहीं हुआ है, इस समय 44 अपडेट में इसका जो इमोट है ये कम्प्लीट हो जाएगी और ईड हो जाएगी, तो मैं आप लोग को दिखा दूंगी अभी के लिए जो इसका इमोट है ये ईड नहीं हुआ है। और ये गन कंफर्म है जो Scar 2.0 है ये गन वाली, ये गन आप लोग को अभी 45 अपडेट के बाद में 8 एनिवर्सरी स्पेशल यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि अंदर सो अभी इसको आने में 2-3 महीना बाकी है, तो अगर आप लोग को निकालना है तो फिर आप लोग बहुत वेट मतलब आप लोग को 2-3 महीना वेट करना पड़ेगा फिर सके जो आप लोग को यहाँ पे Scar 2.0 है ये गन देखने के लिए मिलेगी 8 एनिवर्सरी स्पेशल यहाँ पे देखने के लिए मिलेगी गेम के अंदर, इसका सारा कुछ यहाँ पे सो फिर यहाँ पे एटीट्यूड्स वगैरह है, फिर न्यू लुक है, हीट इफेक्ट है, किल इफेक्ट है, सारा कुछ ऐड हो चुका है, बस इसका जो इमोट है ये बस यहाँ पे ऐड नहीं हुआ है। सो अपडेट आएगा तो फिर ऐड हो जाएगा, तो मैं आप लोग को इमोट का फिर रिव्यू करा दूंगी। आप लोग का जो Scar 2.0 इसका जो इमोट है ये आप लोगों को कैसे देखने के लिए मिलेगा, बाकी यहाँ पे आप लोग लास्ट वाला जो यहाँ पे फाइनल शॉट देख सकते हो, क्या ही खतरनाक और क्या ही मस्त लग रहा है एकदम। 44 अपडेट आने दो फिर मैं आप लोगों को इमोट का फिर रिव्यू करा दूंगी। और देखो ये सभी 44 अपडेट के बाद में जो किल स्टोर टोकन है, जिससे आप लोग यहाँ पे किल टोकन से एक्सचेंज करके आप लोग आइटम वगैरह परचेस कर सकते हो ले सकते हो, तो आप लोग को अभी 44 अपडेट के बाद में जो किल स्टोर है इसके अंदर में आप लोग को ये वाली सो कुराना की स्किन आप लोग देख रहे हो साइड में, ये वाली सो कुराना की स्किन है ना ये आप लोग को किल टोकन से एक्सचेंज करने पर मिलेगी 44 अपडेट के बाद में, जो अच्छा खासा आपके हाथ में लगेगा और अच्छी खासी कटाने की स्किन आप लोग को मिल जाएगी, इसमें ज़्यादा एनिमेशन इफेक्ट नहीं है, बाकी नॉर्मल है और ठीक ठाक ही आप लोग को यहाँ पर मिल जाएगा किल स्टोर में एक्सचेंज करने को। और आप लोग को एक बंडल या फिर आप लोग को एक आइटम और एक मिलेगा, जिसका अभी तक मेरे को रिव्यू नहीं आया है, अभी तक मतलब उसका जो पिक है वो अभी तक
मेरे को नहीं मिले इसलिए मैं आप लोगों को दिखा नहीं पा रही हूँ। बाकी एक आइटम मैंने आप लोगों को दिखा दिया कटाने की स्किन आने वाली है और एक आइटम अभी तक कंफर्म नहीं है कौन सा आएगा बट आएगा जरूर। और देखो आप लोगों को 44 अपडेट के बाद में एक नया लेक्चर देखने के लिए मिलेगा जिसमें आप लोग को सो मानसून थीम के सो बंडल्स है आप लोग को रिटर्न में देखने के लिए मिलेगा। सो मानसून सिम का जो आप लोग यहाँ पर बंडल्स है उसको आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, जो दो मेल का है एक फीमेल का, ये तीनों ही बंडल्स आप लोग को रिटर्न में देखने के लिए मिलेगा। साथ में ब्लैक टी शर्ट के जैसे यहाँ पे मानसून थीम में जो टी शर्ट है ये भी आप लोग को रिटर्न में देखने के लिए मिलेगी। और इसी इवेंट में पॉसिबल है कि आप लोग को जो ब्लैक और वाइट टी शर्ट है ये आप लोग को इंडिया सर्वर में रिटर्न में देखने के लिए मिल सकती है मानसून के रिटर्न आइटम के साथ में, क्योंकि ये सारी मतलब जो यहाँ पर ब्लैक और वाइट टी शर्ट है ये बाहर के सारे सर्वर में सारे सर्वर में आ चुकी है रिटर्न में ब्लैक और वाइट टी शर्ट। सो ब्लैक और वाइट टी शर्ट का जो आप इंडिया सर्वर में पहनने पड़ा है तो आप लोग को जो कोई 44 अपडेट आने वाला है उसके बाद में आप लोग को मानसून का जब यहाँ पर रिटर्न का इवेंट आएगा उस टाइम आप लोग का जो ब्लैक और वाइट टी शर्ट है ये दोनों ही टी शर्ट आप लोग को रिटर्न में देखने के लिए मिल सकती है। अभी के लिए पॉसिबल है जैसे डेट वगैरह कन्फर्म हो गया फिर कन्फर्म न्यूज आएगी तो मैं आप लोग को बता दूंगी। और इसे को 9 अप्रैल को आप लोग को मैसेज माही इवेंट देखने के लिए मिलेगा जिसके अंदर से आप लोग को बिल्कुल फ्री में मैसी के पोटा का पोटा फ्री में मिलेगा। मतलब फुल्ली यहाँ पे फुल्ली क्या बोल रही हूँ एक पूरा का पूरा मैसी के होता है वो आप लोग को बिल्कुल ही फ्री में मिलेगा। और ये सब मैसी के माई इवेंट है ये आप लोग को मिशन दिया जाएगा जो इवेंट वाला होता है ना उसमें आप लोग को मिशन देखने के लिए मिल सकेगा। मिशन करोगे तो आप लोग को पूरा का पूरा जो मैसी के फ्री आप लोग को मिल सकेगा या फिर आप लोग को मिशन करके जो मैसी के का फ्रेगमेंट है ये आप लोग को 100 मिलेगा। जो 100 मैसी के फ्रेगमेंट आप लोग जो मैसी के फ्री इसको एक्सचेंज कर पाओगे एक जैसे भी मिले आप लोग को फ्री का मैसी क्यों फिर ये 9 से 14 अप्रैल तक आप लोग को मिलना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब 9 से 14 अप्रैल तक आप लोग कभी भी जो मैसी क्यों फिर इसको फ्री में क्लेम कर सकते हो इंडिया सर्वर में। और देखो जो फ्री का मैसी क्यों फिर ये तो मिल ही चुका है अब अभी आप लोग सोच रहे हो जो मैसी क्यों फिर इसके अंदर में अपडेट आएगा या फिर नहीं आएगा और आएगा तो कौन से बंडल्स आएंगे। तो देखो यहाँ पे जो फ्री का मैसी क्यों मिलेगा ये आप लोग को 9 से 14 अप्रैल तक मिलेगा फ्री में मैसी क्यों। और आप लोग को जो अभी स्टोर में जो मैसी क्यों स्टोर में आप लोग को यहाँ पे जो बंडल्स देखने के लिए मिल रहा है उसको ही आप लोग एक्सचेंज कर पाओगे। मतलब आपका मन हुआ तो मतलब क्या ये बोल रहे हो मैं आप लोग का मन है तो अभी जो मैसी के मतलब मैसी के विश्व में जो भी बंडल्स वगैरह चल रहा है इसको आप लोग एक्सचेंज कर सकते हो अगर आप लोग को कोई बंडल पसंद है तो। और आप लोग का जो मैसी के विश्व है ना इसके अंदर में आप लोग को 17 अप्रैल को मैसी के विश्व फिर से अपडेट होगा उसके अंदर आप लोग का जो अभी के टाइम में बंडल्स चल रहे हैं वो सारे रिमूव हो जाएगा और आप लोग को न्यू न्यू बंडल्स देखने के लिए मिलेगा। सो मैं आप लोग को 17 अप्रैल से पहले ही बता दूंगी आप लोगों को कौन कौन से न्यू बंडल्स देखने के लिए मिलने वाले हैं 17 अप्रैल को मैसी के विश्व अपडेट। सो अभी के पसंद है तो अभी के लिए ना या फिर आप लोग को बात का पसंद आएगा जो बात में आने वाला है 17 अप्रैल को मैसी के विश्व के अंदर में वो पसंद है तो वो आप लोग ले सकते हो आपका मन क्योंकि आप लोग को एक ही मैसी के फ्री में मिलेगा। आप लोग इस वाले अपडेट के बंडल्स लो मैसी के से एक्सचेंज करो या फिर 17 अप्रैल के बाद में न्यू बंडल्स जो है एक्सचेंज करो आप लोग को फ्री में एक ही मैसी के मिलेगा जिससे आप लोग कोई भी अपना मनपसंद बंडल जो है यहाँ पे एक्सचेंज कर सकते हो। और क्या क्या आएगा वो तो आप लोग को 15 या फिर 14 अप्रैल को ही पता चलेगा कौन कौन से बंडल्स आने वाला है मैसी के विश्व के अंदर में। सो अभी थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा फिर जाके आप लोग को पता चलेगा। बाकी देखोगे जो मैसी के विश्व है इसके अंदर में अभी मतलब 17 अप्रैल को आप लोग को सेवन के स्किन से ये भी आप लोग को इंडिया सर्वर में देखने के लिए मिल सकते हैं क्योंकि बाहर के सारे सर्वर में तो आ ही चुका है गन का स्किन। सो इंडिया सर्वर में भी आप लोग को एड यहाँ पे कर सकते हैं गरीना वाले और ना करें तो क्या ही करूँ मैं। बाकी आप लोग को यहाँ पे सेवन के स्किन से ये एड देखने के लिए मिल सकती है पॉसिबल है। और बाकी आप लोग का जो इनक्यूबेटर का बहुत ही जो पुराने बंडल से वो भी आप लोग को 2 यहाँ पे पॉसिबल है कि देखने के लिए मिल जाएगा। और सो आप लोग को और सो यहाँ पे जो डायमंड रॉयल है इसका बंडल से आप लोग को देखने के लिए मिलता है वही सारे बंडल्स आप लोग को मैसी के विश्व के अंदर में देखने के लिए मिलेगा। आप फिर जैसे ही कंफर्म होता है तो मैं आप लोग को रिव्यू करा दूंगी। और आज में कितना आज में 6 है तो आप लोग को यहाँ पे 4 या फिर 5 दिन के बाद में जो मैसी के में बंडल्स आने वाला है उसका तो 100% कंफर्म यहाँ पे रिव्यू मिल जाएगा। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन रखा जैसे ही आएगी रिव्यू तो मैं आप लोग को बता दूंगी मतलब दिखा दूंगी। और अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना भूलना नहीं और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने पैर पैसे ऑन करें। और चलो वही वाई फाई मिलते हैं न्यू वीडियो में।